अरे ये फ्रैंकलिन कब तक आएगा? ये कब तक हमें इंतजार करवाएगा? अरे मुझे विजन बाबू के साथ घूमने जाना है, कब आएगा फ्रैंकलिन? अरे यार बहुत ज्यादा लेट हो गया यार, मैं कैसे जाऊँ यार? तो गाइस मुझे जाना था एक रैम चैलेंज में और सारे सारे एवेंजर्स वहाँ पे पहुंच चुके। मुझे इतने ज्यादा फोन आ रहे इसलिए मैंने अपना फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। अरे साइमन 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 मेरी बात सुन, अरे मुझे कोई बढ़िया सी गाड़ी दे दे यार, मुझे रैम चैलेंज जाना है प्लीज यार, जल्दी दे दे यार, बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ मैं। अरे तेरे को कौन सी गाड़ी चाहिए? अरे ये धीरे धीरे क्या बोल रहा है, अभी कोई से भी गाड़ी दे दे, बस मुझे चाहिए यार रैम चैलेंज में, तेको बाद में रखे दूंगा। अरे मैं नहीं दूंगा, तूने मुझे पहली वाली गाड़ी भी वापस नहीं करी। अरे वो तो मैं हार गया था, तो वो गाड़ी टूट गई थी। और एक सेकंड वो पीछे क्या पड़ा है, अरे उसको छोड़ो। अरे भाई दे देना यार। अरे मैं नहीं दूंगा, निकल जा यहाँ से। अच्छा पक्का नहीं दे रहा? अरे नहीं दे रहा, निकल यहाँ से, पैसे तो होते नहीं है तेरे पास। अच्छा अब देखो मैं बताता हूँ, तो गाइस अभी साइमन तो मुझे गाड़ी दे ही नहीं रहा, पर मुझे पीछे कुछ दिखा था, पहले जाकर देखते यार पीछे क्या था। अरे अंकल हटो ना साइड में से, अभी पता नहीं क्या होता साइमन के पीछे शोरूम में यार, क्या पड़ा है ये, मुझे जाकर देखना चुपचाप। अरे भाई साहब ये क्या गाड़ी है, अरे ये क्या है, गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, अरे भाई साहब तो बहुत ही तगड़ी गाड़ी है, चलो उसमें फटाफट से बैठ के इसको लेके चलते, साइमन को क्या ही पता चलेगा, फटाफट इस गाड़ी को बैठ के यहाँ से निकल लेते। एक काम करते साइमन को भी बता ही देते, मजा आएगा। देख साइमन देख ये किसकी गाड़ी है। अरे ये गाड़ी तुम्हारे पास कैसे आई, ये तो मेरी गाड़ी है। अबे तेरी गाड़ी थी ये, अब मेरी गाड़ी है तो ये निकल यहाँ से, मुझे गाड़ी नहीं देगा ना। तो गाइस सर अभी मैंने ये गाड़ी उठा ली यहाँ से, फटाफट अपन यहाँ से निकलते इस गाड़ी को लेके। तो गाइस सर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब है तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना, और यार वीडियो को भी लाइक कर देना। और एक सेकंड, अरे इस गाड़ी के नीचे तो पेट्रोल भर रहा है, अरे ये खराब गाड़ी थी क्या? अरे फ्रैंकलिन तो आई नहीं रहा, अब हम इसके लिए और वेट नहीं करने वाले, हमारी गाड़ी बैठे बैठे सूख रही है। अरे मैं आगे आगे रुको। अरे विकी मैं इतनी ज्यादा लेट कैसे हुई? अरे भाई शिनचैन क्या बताओ यार, मैं साइमन से गाड़ी लेके यार, वो बिल्कुल खराब गाड़ी थी, बीच में यार वो खराब हो गई, और मेरे पूरे गंदे कपड़े हो गए, तो मुझे कपड़े भी चेंज करने पड़े। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी गाड़ी है, इसमें से मैं कोई यूज करने वाला हूँ। तो गाइस सर अभी हम आ चुके हैं अपने रैम चैलेंज में, तो अभी आपको दिखा दो ये सारी गाड़ी है जो कि आज अपने रैम चैलेंज में यूज कर सकते हैं। मैंने सोचा तो कोई बढ़िया सी गाड़ी लेके जाऊंगा, पर मुझे कोई गाड़ी तो मिली नहीं पाई साइमन से, पर कोई बात नहीं ये वाली गाड़ी हम सब यूज कर सकते हैं। तो गाइस सर मैं आपको बताता हूँ कि ये रैम चैलेंज है क्या। तो यहाँ से अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से भगाते हुए जाना है, मतलब जितनी ज्यादा स्पीड जो ले सका है उसको फटाफट स्पीड लेनी है, और अपनी गाड़ी को और आगे चल के सीधा खुदा लेना है। ये बहुत ही बड़ा टनल है, यहाँ से आपको स्पीड बूस्ट मिलेगा, और यहाँ से अपनी गाड़ी को खुदाना है, जो सबसे ज्यादा दूर जाएगा वो ये रैम चैलेंज जीतने वाला है। मतलब ये सारी की सारी बिल्डिंग क्रॉस करनी पड़ेगी तभी वो जीत पाएगा, तो देखते हैं कौन कितनी ज्यादा बिल्डिंग क्रॉस करेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं, और मैं भी यार लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। हम हैं थॉर ओडिन पुत्र, हम सबसे पहले जाएंगे, हमारी गाड़ी प्रवेश की जाए। फ्रैंकलिन अगली बार से अगर लेट आए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अरे ठीक है भाई, नहीं आऊंगा लेट, क्या डरा मत मेरे को। तो चलो यार देखते हैं हमारा थॉर क्या करके दिखाते हैं। उसने यार भी हायाबूसा ले लिए, फुल स्पीड में भगाते हुए जा रहे, देखते वो क्या करता है। अरे ओ चाचा कहाँ जा रहा है? तो गाइस अभी यार थॉर को अगली चांस दी, क्योंकि वो रैम चैलेंज शुरू होने से पहले ही नीचे गिर गया था, मतलब वो इधर आया भी नहीं था, इसलिए हमने उसको सेकंड चांस दिए। तो अभी देखते हैं हमारा थॉर क्या करके दिखाता है, और ये गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी कर रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन वाली चीजें इनसे इनको बूस्ट मिलता है। तो अभी फुल स्पीड में जा रहे, देखते हैं ये कितना दूर जाते हैं, और ये तो बहुत ही तेज अपनी गाड़ी को चला रहे, मतलब कम से कम 250 की स्पीड में उसकी गाड़ी चल रही थी, और वापस से 250 पे आ गई है, और ये बस इधर से खुदाने का आ चुका है, और इसने गाड़ी उल्टी टेढ़ी मेढ़ी सीधी, अबे ये क्या किया इसने, और ये सीधे सीधे अपनी गाड़ी तो खुदाली, और ये तो बिल्कुल पास ही जा रहे, लास्ट में उन्होंने अपनी गाड़ी उल्टी कर दी थी, इसलिए यार ये सीधा नीचे जाके गिर जाएंगे। और यार मुझे नहीं लगता कि ये जीत पाएंगे, क्योंकि यार ये बहुत ही ज्यादा पास गिरे। तो गाइस यार आप फटाफट से कमेंट में बता दो इन सब में से आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है। अभी जा रहा आयरन मैन, देखते यार आयरन मैन क्या करके दिखाता है। अरे यार ये देखो यार, ये मेरी खतरनाक वाली गाड़ी है यार, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, इसमें मैं आराम से ये रैम चैलेंज कंप्लीट कर दूंगा, और तुम्हें खेलने का भी मौका नहीं मिलेगा। अरे चल चल ठीक है ठीक है देखते। तो अभी यार ये देख रही है वाली कार, भाई ये क्या करने जा रहा है, मस्त गोल गोल कर रहा है। अभी देखते हैं हमारा ये आयरन मैन क्या करके दिखाता है, थोड़ा पीछे जाके आगे जाने की वापस से कोशिश कर रहे हैं, और ये इनके पता नहीं स्क्रीन में क्या हो रहा है। अरे यार मुझे लगता है मैंने अपनी गाड़ी को पेट्रोल की जगह थोड़ी दारू वारू पिला दी यार, वो नशे में आगे भी नहीं बढ़ पा रही। और गाइस ये आयरन मैन सारे सीधा नीचे, और ये तो थोड़े से पीछे रहेगा, यानी यार आयरन मैन भी हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई। हल जाएगा, ये सब इनके बस की बात नहीं है, हल करके दिखाएगा कैसे करता है ये रैम चैलेंज। तो गाइस अभी जा रहा है
ये देखते क्या करके दिखाते हैं। और गाइस यार जो भी यार ये रैम चैलेंज जीतने वाला है उसको जो प्राइज मिलने वाला है वो तो होने वाला है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि जो भी जीतेगा उसको बहुत ज्यादा मजे हो जाने वाले। तो अभी हल जा रही है गंदे से ट्रैक्टर में, देखते यार ये क्या थॉर और आयरन मैन से आगे जा पाएगा। तो अभी हल्के यार फुल स्पीड अपनी गाड़ी भगाते हुए जा रहे हैं, मतलब ट्रैक्टर भगाते हुए, जहां से उसने पूरा पूरा स्पीड बूस्ट ले लिया और ये अपनी गाड़ी खुदा ली है। और ये आयरन मैन से तो सीधा सीधा आगे आगे नहीं जा रहे हैं, अबे यार ये तो और भी पीछे रह गए और इनके ट्रैक्टर को कुछ नहीं हुआ। और भाई ये तो गिरा भी नहीं गाड़ी से, तो भाई हल्क भी हो चुका है डिस्क्वालीफाई। ये सारी गलती ट्रैक्टर की है, ये ले इसको नहीं छोड़ूंगा। तो अभी यार सबसे आगे तो अभी थॉर चल रहे, देखते यार अभी वॉन्ड आगे करके दिखा दी क्योंकि यार आयरन मैन और हल्क यार बहुत ही पीछे रह गए, तो उन दोनों को कर दिया डिस्क्वालीफाई। अभी सबसे आगे चल रहे थॉर, और यार ये वॉन्डा ने अपनी पता नहीं कौन सी ट्रैवल वाली कार ले ली है। अरे मैंने ये इसलिए लिए क्योंकि मैं विजन बाबू के साथ यहीं से सीधा फ्लाइट पकड़ के चली जाऊंगी घूमने। अरे वो गाड़ी इधर देके जाइयो, तेरी गाड़ी नहीं है हमारी गाड़ी है। अरे ज्यादा मत बोलो, ये आज से गाड़ी मेरी है। तो अभी देखते यार ये विजन वॉन्डा क्या करके दिखा दी, गाड़ी तो फुल स्पीड में अपनी भगाते हुए जा रही है और ये भाई उड़ा ली अपनी गाड़ी को। और ये छोटी सी गाड़ी तो बहुत ही तेज चलते हुए बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है और ये सबसे मतलब ये फर्स्ट विनर पे जा रही है क्योंकि इसने थॉर को कंप्लीट कर लिया है। और ये यहाँ पे लैंड होने वाली है और भाई साहब भी तो वापस से पीछे जा रही है। अरे भाई साहब क्या ही लैंडिंग करी है। तो अभी यार सबसे आगे आ चुकी है वॉन्डा, मतलब यार अगर कोई भी आगे नहीं जा पाया तो इस रैम चैलेंज की विनर होगी वॉन्डा। अरे एक सेकंड स्पाइडरमैन मेरी बात तो सुन। अरे अरे क्या हो गया? अबे तेरे पास गाड़ी के चलाने का लाइसेंस है? अरे अरे वो तो नहीं है। क्या तो बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे? पुलिस को बोलो पुलिस को। अरे अरे सॉरी सॉरी, अरे प्लीज मुझे साइकिल चलाने दो, प्लीज मुझे रैम चैलेंज में लेना है। अबे निकल ऐसे वरना पुलिस को बुला दूंगा। अरे फ्रैंकली तेरी वजह से बचा लो। हेलो हाँ पुलिस, अरे ये बच्चा यहाँ पे घूम रहा है। अरे बाकोले तुझे पुलिस को बुला ला है। उड़ी बाबा अब मैं जाऊंगा इस साइकिल में, ये है मेरी मैजिक वाली साइकिल। अबे किस में क्या मैजिक है साइकिल में? उड़ी बाबा अभी मैं तुमको दिखाता हूँ इस साइकिल में क्या मैजिक है, ये देखो ये साइकिल उड़ती है। अबे ये क्या हो रहा है? अबे ये तो नीचे लैंड ही नहीं कर रहा। अबे भाई साहब ये कौन सी साइकिल निकाल दी इसने? उड़ी बाबा ये है डॉक्टर स्ट्रेंज की साइकिल, ये देखो क्या उड़ रही है ये। और भाई साहब इतनी तेज चला रहा है, पागल हो गया क्या ये? अबे साइकिल को 250 की स्पीड में चला रहा है। अबे ये क्या साइकिल बना दी इसने? और भाई साहब तो उल्टा सीधा कर रहा है साइकिल को, अभी तो खुदा भी रहे हमें। अबे ये क्या हो रहा है, इसका पर्दा देखो पीछे से। उड़ी बाबा वो है मेरा जादुई कपड़ा। अरे इसको डिस्क्वालीफाई करो, मैं ऐसे चीटिंग वीटिंग नहीं चलेगी। अरे अरे मुझे घर पे जाके समोसे बनाने, मेरी बीवी वरना मारेगी मुझको, मैं जा रहा हूँ, मुझे ये रैम चैलेंज नहीं खेलना। तो अभी यार कैप्टन अमेरिका तो भाग चुके यहाँ से, अभी देखते हैं हमारा विजन क्या करके दिखाता है। ये आखिरी कंटेस्टेंट है, उसके बाद यार शिनचैन और मैं जाने वाले। तो अभी यार सुपर कार में अपनी बैठ चुका है, देखते यार ये क्या करके दिखाता है। इसकी गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी लग रही है, जो मैं यार गाड़ी लेके आने वाला साइमन से वो तो खराब हो गई, पर वो भी गाड़ी बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी। और इसकी गाड़ी यार टेढ़ी हो चुकी है और वॉन्डा तो अभी भी यार बहुत ही ज्यादा दूर है। आपको क्या लगता है विजन जीत पाएगा? और ये अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया? अरे मुझे नहीं करना रैम चैलेंज, मैं अपनी वॉन्डा बेबी को जिताना चाहता हूँ। वॉन्डा तुम ही जीतोगी, ये वॉन्डा वॉन्डा। चिंचर अपने लिए तो गाड़ी नहीं बची यार, आप क्या करें? अरे फेकी मैं टेंशन मत लो। अबे टेंशन क्यों नहीं लो, अपन चल रहे किस में? अरे फेकी अभी बताता हूँ यार आपको, अरे मोदी जी मंगा दो। अरे ये क्या चीज है, अबे बर्गर खाने का क्या? अरे नहीं फेंकी मैं बर्गर वाली गाड़ी है, स्पेशल गाड़ी है, मैंने खुद ने बनाई है। अबे क्या तूने गाड़ी बनाई है? अरे नहीं फेंकी मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ये बहुत ही स्पेशल गाड़ी, चले इसमें चलते हैं। अरे ठीक है तो गाइस यार अभी शिनचैन और मैं जा रहे हैं इस वाली बर्गर वाली गाड़ी में, देखते हैं इसमें हम जीत पाते कि नहीं। ये तो बहुत ही तेज चल रही है, अभी शिनचैन तो बहुत ही मस्त गाड़ी है। अरे वही तो फेंकी मैं अड़ते चलाऊ। अबे भाई तो 500 की स्पीड तक पहुंच गई। अरे भाई साहब कितनी ज्यादा तेज जा रहे हैं, और ये हमने गाड़ी खुदा ली अपनी, अपना बर्गर उड़ते हुए जा रहा है, नीचे से हमारा टमाटर दिख रहा है। और यार हम बहुत ही तेज ऊपर जाए जा रहे, सामने हमको रैम चैलेंज अपना दिख रहा है, नीचे मुझे वॉन्डा भी दिख रही है, क्या हम उससे आगे जा पाएंगे? अरे फेंकी हम बस पहुंचने वाले, थोड़ी म्यूनिस और लगा दो। क्या म्यूनिस लगा दो? अरे फेंकी मतलब बूस्टर लगा दो। और यार ठीक है बूस्ट लगा दिया। और गाइस यार हमने यार वॉन्डा को क्लियर कर दिया। तो भी यार हम आ चुके उस वाले घर में जो कि हमें मिला है रैम चैलेंज जीतने के बाद, मतलब शिनचैन और मेरा पर्सनल घर मिला हमें, इतना ज्यादा तगड़ा वाला घर है। यहाँ पे देखो भाई ये स्विमिंग पूल ऐसा अजीब सा, पता नहीं कैसे अजीब सा स्विमिंग पूल है जिसके अंदर ऐसे मतलब केव बनी हुई जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा लग रहा है। तो ये रहा हमारा जो घर है जो हमें मिला है जो हमको जीतने में रैम चैलेंज में। तो गाइस यार आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो, फटाफट से कमेंट में बता दो हमारा घर कैसा लगा। और गाइस यार इंस्टाग्राम
कोड डिस्काउंट का डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाकर जॉइन फॉलो कर लो, वहां पे बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एरी पे की बे दीदी आने लगी, अबे चुप रहे।